पानी की घुलनशीलता। आज हम लोग जानेंगे पानी में कौन कौन सा पदार्थ घुलता है और कौन कौन सा पदार्थ नहीं घुलता है, इसको आज हम लोग करके जानेंगे, क्रियाकलाप के द्वारा करके जानेंगे, केवल किताब में पढ़ के नहीं एक प्रयोग करके ही हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले चार गिलास लेते हैं, चारों गिलासों में बराबर मात्रा में पानी भर देते हैं, जल ले लेते हैं। चार हमने चार ग्लास ले लिया है जो पारदर्शी हैं, दिख रहे हैं, कांच का ग्लास नहीं मिला इसलिए प्लास्टिक का ग्लास इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले हमने लिया है चीनी, चाक पाउडर, नमक और रेत। तो हम एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, आ जाओ विनय यादव, इसमें से एक चम्मच चीनी निकाल के आप इसमें ग्लास में घोल दीजिए। गिलास पकड़ के खोलिए इसको थोड़ा नजदीक, हाँ छोड़ दीजिए, ठीक है उसको खोल लीजिए, रख दीजिए, चलिए जाइए बैठिए। आ जाओ सलोनी, आ जाओ, चलो इसमें से क्या घोलोगे, चीनी तो इसमें घुल चुका है, क्या घोलना चाहोगे इसमें, चाक पाउडर बोलो, चाक पाउडर नजदीक आओ, यहाँ चाक पाउडर, हाँ चाक पाउडर उसको पकड़ लीजिए, बोलिए ठीक है, ठीक है छोड़ दीजिए, कर दीजिए ठीक है, बहुत अच्छा, याद रहे चीनी है और ये चाक पाउडर। अब तीसरे गिलास में कौन आना चाहेगा, लकी आ जाओ वहां से दिखाते लाओ, तो क्या घोलना चाहोगे इसमें, नमक, नमक बोलिए ठीक है, बोल लीजिए अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए बैठिए, चलो हम राधा आ जाओ, तुम आ जाओ, चलो ये नमक चीनी और चाक पाउडर भूल चुका है, अब आगे गिलास में रेत भूलते हैं, ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छा, चलिए बैठिए, चीनी थोड़ा सा मोटा है तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे हिला लेंगे, घोल लेंगे एक बार, चाक पाउडर को भी घोल लेंगे अच्छे से, नमक को घोल लेंगे अच्छे से मिला लेंगे, ये रेत यानी कि बालू इसको भी अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको रहने देते हैं। कुछ समय बीत चुका है और हम लोग देखते हैं कि कौन सा पदार्थ घुला और कौन सा पदार्थ नहीं घुला, तो इसके लिए इसको चेक करने के लिए हम बच्चों को ही बुलाते हैं, राधिका विश्वकर्मा आइए आइए और चेक करिए, क्या देखिए चीनी इसमें है या पूरी तरह से घुल चुका है, पूरी तरह से घुल चुका, अच्छे से देखिए घुल चुका है, पूरा पूरे तरीके से घुल चुका है, यानी कि चीनी जो है पानी में पूरी तरह से घुलनशील है, ठीक है ना, वेरी गुड। अगला चेक करने के लिए आ जाओ चलो, आप देखिए बताइए क्या चाक पाउडर जो है पानी में पूरी तरीके से घुल चुका है या अभी बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ सर, बचा हुआ है ना, नीचे क्या जमा हुआ है, पूरी तरीके से घुला नहीं है, यानी कि चाक पाउडर पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलता, वेरी गुड। चलिए सुहानी मौर्य आइए, आप देखिए कि नमक पानी में पूरी तरीके से घुल चुका है कि बचा हुआ है, घुल चुका है, अच्छे से देखिए घुल चुका है, क्या हुआ घुल चुका है, इसका मतलब नमक पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, वेरी गुड। चलिए अंशिका आ जाइए, आप देखिए कि पानी में रेत घुल चुका है या फिर अभी जमा हुआ है या बचा हुआ है, देखिए जमा हुआ है, और पानी गंदा है दिख रहा है लेकिन रेत क्या है नीचे जमा हुआ है, इसका मतलब पानी में रेत नहीं घुलता है, वेरी गुड। तो बच्चों जो द्रव में घुल जाता है उसको विलेय कहते हैं, क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ, और जो न घुले अविलेय, तो कुछ लोग आ जाए जिनसे पता किया जाए कि इसमें क्या विलेय है और क्या अविलेय पदार्थ है, तो आ जाइए आप लोग बताइए कि चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल चुका है तो ये चीनी पानी में घुलने के बाद विलेय है कि अविलेय है, क्या है, क्यों विलेय है, घुल चुका है, चाक पाउडर विलेय है और अविलेय है, पानी में अविलेय है, नमक पानी में घुल चुका है, क्या है विलेय या अविलेय, वेरी गुड, रेत क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you.